पति पत्नी बस उसी की सेवा करते रहते थे, गाय की सेवा, गौ सेवा। तो ये दोनों गए, बड़े आदर से उन्होंने अंदर बिठाया, बोला रात्रि आप यहीं विश्राम करिए। और वो जो एक पाव दूध देती थी, थोड़ा थोड़ा उन दोनों को दे दिया, आप पीजिए, वो दूध ही उनकी सेवा में अर्पण कर दिया। खुद भूखे रह गए दोनों पति पत्नी। जब भगवान बाहर निकले तो उनको आशीर्वाद दिया, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी गाय मर जाए, गाय मर जाए। अर्जुन बोले वाह भगवान, ये कितनी अजीब बात करते हो, उसने तुम्हें इतना दूध पिलाया और तुम उसकी गायें मारे दे रहे हो, और वो सेठ जो इतना गंदा था उसका सारा धन छीन लेना चाहिए था, उसको बोला 100 गुना और हो जाए। बोले अर्जुन ये दोनों इतने पवित्र हैं कि ये मोक्ष के लिए तैयार हैं, तो मैं जब पूछता हूं शिव योग तुम्हें चाहिए क्या, सीधा बोलते मोक्ष। मैंने कहा कौन से वाला, ब्राह्मण वाला? नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण वाला नहीं, हमें तो वो सेठ वाला मोक्ष दो, सेठ भी हो और मोक्ष भी मिल जाए। तो इसलिए शिव योग कहता है तुम चाहते क्या हो, तुम्हें भली भांति मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो तुम सोचोगे वही एनर्जी पैदा करोगे, क्योंकि भोले बाबा को इतना सब नहीं आता। शिव बोला भंडारी, शिव बोला, शिव बोला, ना तो भोले बाबा को स्वाद का पता है कि टेस्टी भोजन क्या होता है और उबला हुआ बेकार भोजन क्या होता है, उसके लिए तो है ही। उसके लिए मखमल का उसको नहीं पता, पत्थर का उसको कुछ नहीं पता, वो तो जहां बैठ गया वो तो सच्चित आनंद में है। उसको बड़े बड़े महल का नहीं कोई पता, और एक पेड़ के नीचे बैठा उसका भी कोई नहीं पता। इसलिए तुम्हें जो अनुभव तुम करने आए हो इस पृथ्वी पर, उसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। तुम यहां जन्म जो तुमने लिया है उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम चाहते क्या हो, इस जीवन से वो पहले अच्छे अच्छे बड़े बड़ी लाइनों में लिख लो। फिर उसके बाद तुम भगवान से जुड़े हो संजीवनी के द्वारा, तो जो तुमको चाहिए उसको तुमने फील करना है, क्योंकि भगवान शिव से जो परावाणी है, परावाणी ये बातचीत से नहीं होती, परावाणी एनर्जी से होती है, ये मैं आपको बता दूं। मैंने बोला ना एक बारी कन्वर्सेशन विद गॉड, जहां मैंने पढ़ा वो भगवान, जैसे रोटरी क्लब वाले बोलते ना इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स सो नाइस, आई एम सो हैप्पी, सो थैंकफुल, 25 बारी जो है वो सब बोलते हैं। मैं बोला ये भगवान नहीं हो सकता, ये पॉलिश्ड आदमी है, इसको बंद कर दो किताब को, क्योंकि भगवान जो है वो एनर्जी है। परावाणी इट्स अ कम्युनिकेशन ऑफ एनर्जी, इट्स अ कम्युनिकेशन ऑफ वाइब्रेशंस, व्हाट वाइब्रेशंस यू आर एमिटिंग एंड व्हाट वाइब्रेशंस ही इज सेंडिंग, यू मस्ट लर्न टू डीकोड दैट एनर्जी वाइब्रेशंस, एंड दैट गिव्स यू द मैसेज, दैट गिव्स यू द गाइडेंस, एंड गॉड इज सेंडिंग दिस वाइब्रेशंस टू एवरी वन ऑफ यू, बट बाय द टाइम इट कम्स टू यू, यू आर चेंजिंग दोज वाइब्रेशंस इनटू योर ओन फीलिंग्स एंड योर इमोशंस। प्लीज डू नॉट डू दैट, डू नॉट क्रिएट नेगेटिव इमोशंस, ऑलवेज आस्क यूर सेल्फ वेदर आई एम हैप्पी और वेदर आई एम सैड, इफ आई एम सैड व्हाई आई एम सैड, व्हाट इज द थॉट विच इज क्रिएटिंग दिस फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंड दैट थॉट देन यू आस्क वेदर इट इज अ पॉजिटिव थॉट और इट इज अ नेगेटिव थॉट। If it is a negative thought, you are sending a message to Shiva to please give me according to my thought. तो वो तुम्हें क्या देगा? वही जो तुमको नहीं चाहिए। इसलिए वो कभी नहीं सोचना जो तुमको नहीं चाहिए, वो कभी फील नहीं करना जो तुमको नहीं चाहिए। फोबिया में क्या होता है, ओह आई हैव ए फोबिया, कुछ मुसीबत ना हो जाए, न हटा दो, क्योंकि भगवान को ग्रामर नहीं आती,
मैं सच बोलता हूँ, भोले बाबा को ग्रामर नहीं आते, नैनू उसको समझ नहीं आती, उसके कुछ मुझे डर है कुछ हो ना जाए, नै हट गई हो जाए, क्या इसको दे दो हो जाए, इसके साथ हो जाता है। इसलिए ऑलवेज बिलीव इन हिम बिकॉज यू हैव कम फ्रॉम हिम। ये साइंस मैंने तुमको बता दी कि तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तुम्हारा ये जो ज्ञान की इच्छा तुम्हारे मन में रही होगी कि मैं आया कहाँ से, ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि वो तत्व जो शून्य तत्व था वहाँ से परम तत्व, परम तत्व से गुरु तत्व, गुरु तत्व से आकाश तत्व, और वो होते होते पांचों तत्व से मिल करके ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा। अब ये पांच तत्वों का और कोई शरीर चाहिए, अगर शादी की एज हो गई है तो पत्नी अच्छी चाहिए या पति अच्छा चाहिए, तो जैसा तुमको चाहिए वैसा सोचो और वैसा उसको बोल दो, भोले बाबा ये मैंने देख लिया ऐसे वाला चाहिए, तू भेज दे। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है, देखो ये गुस्सा जो हुए हो ना, इससे कौन सी एनर्जी पैदा हुई हंसना, जब पापा तुमसे मजाक करे तो हंसना, क्या देखो कितना मजाक कर रहा है। हाँ देखो तो हंसो, हर क्षण हर घटना जो हो उससे दुखी नहीं होना, नाराज नहीं होना, प्रसन्न होना है, क्योंकि पॉजिटिव जब होगा तो ही तुम्हारे को वो घटना तुम्हारे जीवन में घटित होगी जो तुम्हारे ऊर्ध्व गति में सहायक सिद्ध होगी, और अगर दुखी हो गए तो वो घटना घटित होगी जो अधोगति में सहायक होगी। क्या चाहिए तुम्हें, ऊर्ध्व गति की अधोगति? तो ये वेदों का सार, उपनिषदों का सार, ये मैंने तुम्हें दो शब्द में बताया, एनर्जी ऊर्ध्वगति, एनर्जी अधोगति। तो विचार के साथ जो है विचार पैदा करते हैं, मानव का है मन, मन से ही मानव का नाम पड़ा है, मानव के पास ऐसा भगवान ने वो डिवाइस फिट कर दी है मानव जीव के भीतर जो दोनों एनर्जी को पैदा करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा मन ही तेरा परम मित्र, मन ही तेरा परम शत्रु। अगर मन जो है नेगेटिव विचार पैदा करेगा तो अधोगति होगी, 84 लाख योनियों में जाओगे, भयंकर पीड़ा उत्पन्न होगी और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और वही मन अगर पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, जो तुमको चाहिए, भले ही बीमारी हो गई है, तुमको बीमारी चाहिए तो फिर ये क्यों सोचते हो बड़ा बीमार हूं जी मैं, इंट्रोडक्शन देते हो, हेलो हाउ आर यू, हु आर यू, आई एम डायबिटिक, फाइव इयर्स इंसुलिन डिपेंडेंट, दिस इज नॉट योर इंट्रोडक्शन, योर इंट्रोडक्शन इज आई एम नॉट दिस बॉडी, I am the soul, Shivoham, I am Shiva, I am not this body, I am the Shivoham, I am Shiva। तो ये कहना है, this is your introduction। हाँ जी कैसे आए, कौन है आप, मैं बड़ी दुखी हूं जी, ये तुम्हारी introduction थोड़ी है, ये तो तुमने जो मैल पैदा किया उसकी इंट्रोडक्शन है, उस फैक्ट्री का तो नाम बताओ जिसने ये पैदा किया है, फैक्ट्री ने प्रोडक्ट पैदा किया वो प्रोडक्ट का नाम दे शुरू हो गया, दुख तो तुमने पैदा किया, ये तुम्हारी इंट्रोडक्शन थोड़ी है। मैं बड़ी परेशान हूं जी, मैं बड़ी दुखी हूं, कि चाहिए क्या, मैं बड़ी दुखी हूं जी कि तुम्हें चाहिए क्या। बाबा जी आप तो ज्ञानी ध्यानी हो, तंग करके रखा है, जो तुम कह रहे हो बोले बाबा को नहीं, ओके ये देखो ये बाबा के पास आई है, इसको दो जो चाहिए, क्या चाहिए, क्या जी बड़ी दुखी है तंग करके रखा है, बोला दो फटाफट खूब सारा दो, शिव बोला बंडारी
शिव भोला भंडारी, शिव भोला शिव भोला शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी शिव भोला भंडारी। तो अब समझ आया भावना क्या लानी है। भावना सर्वोपरि है, शुद्ध भावना, प्योर इंटेंशन। जो तुमको चाहिए वही सोचना, जो तुमको नहीं चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं ये तुमको चाहिए, दुख चाहिए क्या नादिना, तो फिर वो नहीं सोचना। क्या चाहिए वो भूल ही जाते हैं, को ये तो मैं भूल ही गई, मन चाहता कि मैं तो भूल ही गई, मन तो है याद है मैं बड़ी दुखी है, कह जरा लब्बो, ओए होए वो दुख तो दूर ही हो गया और मैं हजे भी सोच रही हूं मैं बड़ी दुखी है। समझ रहे हो आप बात को। तो भगवान कहता है वो दुख तो दूर हो गया, अब इसको नई आइटम चाहिए, नया दो क्योंकि वो बेचारी दुखी है। तो आपको जो चाहिए, क्योंकि आशंका, ये शब्द प्रयोग करते ना हम, जीवन में आशंका है, अनिष्ट की आशंका है, मेरी खब्बी आंख फड़क रही है, आशंका है हफ्ते बाद कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा लग रहा है, फिर वो महीने बाद, यानी कि तुमने मुसीबत आने से पहले उसकी एनर्जी क्रिएट करनी शुरू करती, और फिर जब वो दुखद घटना घट जाती है तो हम प्रसन्न होके कहते वेख्या मेरी खब्बी आंख फड़की सी ना, मैं कितना मुसीबत में आ गया, मेरे को पता तो पहले ही चल जाता है। लेकिन ये आप के लिए ये मुसीबत थी ही नहीं, ये मुसीबत आपके भाग्य में भी नहीं थी, आपकी आईज में कोई डिफेक्ट आया था और आपने मुसीबत क्रिएट कर दी, फील करना शुरू कर दिया, और वो मैसेज भगवान शिव तक पहुंचा और भगवान शिव ने कहा क्या कहते हैं, कहते हैं ये चाह रही है कि ऐसा कुछ हो जाए, कर दे दो, और वो हो गया। अब शिव योग में मैं कहता हूं मुसीबत आने से पहले ही आप फील करने का अभ्यास आपको है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, सच्ची बात है, आशंका होती रहती ना, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं पता नहीं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं, अप्रोचे बड़ी है जी, हमारी तो कोई भी नहीं है, चांस तो घटवा दी है, तो क्रिएट कर लिया ना, पहले से ही क्रिएट कर दिया, और वहां जाने के बाद जब उसने कहा काका तेरा तो कोई स्कोप नहीं, थैंक यू, क्या वेख्या अप्रोच चलती, अप्रोच चलती, अगर अप्रोच ही चलानी है तो उस परम की अप्रोच चलाओ ना, उससे कभी कह के देखा ही नहीं हमने, उससे कह के देखा ही नहीं। अब अगली बार जब जाना तो जो पहले से तुम नेगेटिव मटेरियलाइज कर रहे थे, हर मनुष्य नेगेटिव मटेरियलाइजेशन करता है, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, कहीं ना कहीं अज्ञानतावश अवश्य करी होगी, पहले से ही आशंकित हो गए थे, अब उसी चीज को तुम जो चाहते हो पहले से ही पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना क्यों नहीं शुरू कर देते। जैसा घर चाहिए वैसा घर पहले से देखना क्यों नहीं शुरू कर देते। जैसा स्वस्थ शरीर चाहिए वैसा स्वस्थ शरीर पहले से ही देखना क्यों नहीं शुरू कर देते। घर में अगर कोई सदस्य तुम्हें लगता है बड़ा लड़ाई करता है, तुम्हें चाहिए क्या वो तुमसे बड़ा प्रेम करे, तो तुम उसको पहले से ही फील करना क्यों नहीं शुरू कर देते कि जब भी तुम जाते हो वो तुमको बहुत प्रेम करता है। स्टार्ट विजुअलाइजिंग व्हाट यू वांट बिफोर यू गेट, यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग व्हाट यू वांट, जो तुमको चाहिए वो पहले से ही तुम विजुअलाइज करना शुरू कर दो, उसको देखना शुरू कर दो, उसको ड्रीम करना शुरू कर दो, और साधना करो। शिव योग की साधना, वो कर्म जो तुम्हारे
को किसी उपलब्धि के मार्ग में रोड़ा अटका रहे हैं, जो तुम्हें वो प्राप्त नहीं होने दे रहे, वो जल के भस्म हो जाते हैं जब तुम साधना करते हो और तुम शिव के साथ संजीवनी के माध्यम से जुड़े हो। जो तुमको चाहिए यदि वही बार बार सोचते हो कि ये तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, शरीर में रोग है, रोग को भूल जाओ, अब शरीर को देखो, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, माई बॉडी इज एब्सोल्यूटली हेल्दी, मेरी टांगे भी फर्स्ट क्लास है, मेरे हाथ भी फर्स्ट क्लास है, मेरा हार्ट भी फर्स्ट क्लास है, मेरा लिवर भी फर्स्ट क्लास, जो भी चीज है सब कुछ बहुत बढ़िया है। एक महीना के लिए, सिर्फ एक महीना के लिए इसका अनुष्ठान करो, जो मैं शिव योग की साधना तुमको सिखा रहा हूं, जो जो कुछ सिखा रहा हूं अक्षर अक्षय अनुष्ठान करके देखो। जिसको स्वास्थ्य चाहिए, जिसको धन चाहिए, जिसको पारिवारिक सुख शांति चाहिए, मुड़ना नहीं, जो मैंने कहा है अक्षर अक्षय उसको जीवन में उतार कर देखो और साधना करो। सुबह शाम संचित कर्म को काटो, शुभ कर्म करो और एक महीने के बाद मुझे बताना। मजा ही आ गया जी, हो गया जी, चमत्कार ही हो गया जी। चमत्कार किसने किया? तुम ही ने किया, क्योंकि तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तो तुम्हें बता सकता हूं, कुछ भी जो है दुर्लभ नहीं है। Nothing is impossible. Everything is possible. I am the creator of my own destiny. So if you are creator of your own destiny, why do not you take a copy and pen and write your destiny with your pen, with your own hands? Every Shiva Yog sadhak must write their destiny with their own hands. इसको करो। ये जो मैं तुमको ज्ञान बता रहा हूं, ये सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। तुम उस अनंत से जुड़े हो, वो अनंत जो पूरी सृष्टि को पैदा कर सकता है, और उसी अनंत से तुम आए हो, तो तुम अपने जीवन में जो चाहते हो क्या वो पैदा नहीं कर सकते? कर सकते हो, वही सोचना है। सोचना शुरू कर दो, फील करना शुरू कर दो, जो तुम चाहते हो। सिर्फ एक ही एनर्जी पैदा करना, वो कौन सी एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी, और उसके साथ साथ पुण्य कर्म अवश्य करना। कौन से कर्म? पुण्य कर्म, क्योंकि प्रकृति का यह मूल सिद्धांत है, जो भी तुम देते हो वही हजार गुना बढ़ के वापिस तुम्हारे पास आता है। धन चाहिए तो दान दे, प्रेम चाहिए तो प्रेम दे, सहायता चाहिए तो सहायता दे, सेवा चाहिए तो सेवा दे, मित्रता चाहिए तो मित्रता दे। जो तुमको चाहिए वो देना शुरू करो। सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए तो अपना मन उस शिव को दे दे, शिव अपने आप को तुम्हें दे देगा। करके तो देखो, जो मैंने पहले दिन बताया, क्या बताया? श्रवण संकीर्तन मनन, तो मन गया कि नहीं गया? तीन चीजें ही मन करता है, सुनता है। जरा दसो मेरे बारे की आख्या उन्हें, ओए होए इतनी बुरी, मैंने कितना चंगा किया, उसने कितना बुरा किया, ये सुनना चाहते हो। इसके बदले सत्संग ही सुनो। श्रवण संकीर्तन, जब बोलो तो उसी की वाणी बोलो। उसी की वाणी का मतलब ये नहीं कि हरे राम हरे कृष्ण यही बोलना शुरू कर दो, और घर वाले मेरे को गाली देंगे, ये क्या पंडित जी बना के भेज दिया हमारे बच्चे को, स्कूल में भी मजाक उड़ाते हैं। संकीर्तन मतलब एवरीथिंग पॉजिटिव।